नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंस जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत ही ट्रिकिंग ये कंफ्यूजन होता है पब्लिक के सामने में कि जो है ना ये दो लीगल टर्म्स होते हैं, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है जो दोनों में, जो है ना उसको जो है ना हम इस डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे आप चैनल पे आप न्यू हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बेसिक डिफरेंसेज क्या होता है जो है ना जो है नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर में, मीन्स कंपेरिजन बिटवीन नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। अब देखिए यहाँ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर डिफिनेशन पहले देखते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है नोटिफिकेशन का और सर्कुलर का। नोटिफिकेशन का कहता है, ए नोटिफिकेशन रेफर्स टू पब्लिक नोटिफिकेशन दैट लेट्स द पब्लिक पीपल नो अबाउट लॉ दैट आर बीइंग एनेक्टेड एंड दे आर बींग गोइंग टू अफेक्ट द पब्लिक। मीन्स नोटिफिकेशन का अर्थ होता है कि जो है ना ये पब्लिक को नोटिफाई करता है, इंफॉर्म करता है कि जो है ना कुछ लॉ जो है ना एनेक्ट हुआ है और लॉ जो एनेक्ट हुआ है वो पब्लिक को जनरल पब्लिक को कितना तक इफेक्ट करेगा और क्या उसको जो ना बेनिफिट होगा, क्या उससे जो है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो है ना ये नोटिफिकेशन जो डिफिनेशन आता है। बेसिकली ये जब एक्ट बन जाती है तो एक्ट में के अनुसार में कब और टाइम टू टाइम जो है ना नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आम पब्लिक को या फिर टैक्स पेयर को जो है ना जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उसको या जनरल पब्लिक होते हैं उसको नोटिफिकेशन के थ्रू जो है ना कुछ रिलीफ दिया जाता है या फिर कुछ चेंजेस लॉ के बारे में बताया जाता है और उसके अनुसार में पब्लिक को फॉलो करना पड़ता है, तो वो फिर जो है ना ये नोटिफिकेशन होती है। अब देखिए सर्कुलर क्या कहते हैं, सर्कुलर इज एन इंटरनल मेमो दैट प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन अबाउट द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लॉ। अब ये सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर क्या कहता है कि ये इंटरनल मेमो है या फिर जो है ना ये है, ये जो है किसी भी लॉ का जो है ना उसको क्लैरिफिकेशन करता है। मीन्स सपोज कीजिए कोई एक्ट बना है और ये पब्लिक बेनिफिट के लिए एक्ट बना है और ये लॉ एंड ऑर्डर में जो है ना इस एक्ट को जो है इन्फोर्समेंट होना है, लेकिन वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर में कुछ एक्ट में है क्या कि कुछ कंफ्यूजन होता है पब्लिक को या फिर जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को या फिर जो है ना उसका जो है ना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या फॉलो करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन रेज करते हैं गवर्नमेंट से जो है ना कि जो है ना ये समझ में नहीं आ रहा या इसका क्या जो है मीनिंग होगा और ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, तो इस तरह का क्लेरिफिकेशन के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है जो है। अब देखते हैं दूसरा क्या पर्पस, टू नोटिफाई पीपल अबाउट ए सर्टेन लॉ दैट मे अफेक्ट द पीपल इफ एनेक्टेड। मीन्स पर्पस क्या होता है कि सर्कुलर का पर्पस है कि जो है ना पब्लिक को नोटिफाई करना कुछ पार्ट ऑफ लॉ के बारे में जो पब्लिक को इफेक्ट करेगा अगर ये जो है ना इनेक्ट हो जाएगा, तो मीन्स ये अगर इनेक्ट में जो है ना लागू हो जाएगा तो वो पब्लिक को इफेक्ट करेगा जो है ना, और ये जब से लागू होगा जिस डेट से सर्कुलर नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि किस डेट में ये अब इम्प्लीमेंट होगा और किस डेट से ये जो है ना वर्क करने लगा ये लॉ जो है या कोई भी एक्ट है या कोई भी रूल है, तो उसके बारे में उसका पर्पस होता है नोटिफिकेशन का। सर्कुलर का पर्पस क्या होता है, टू ले डाउन द लॉ या सर्टेन क्लेरिफाई सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इट। सर्कुलर का होता है कुछ अगर नया लॉ लाया जाता है कुछ जो है ना तो उसको जो है ना सर्कुलर के थ्रू जो है ना गजट में पास करके गवर्नमेंट जो है ना जो है ना उसको पब्लिश करती है और वो या तो फिर उसको क्लेरिफाई करती है, तो वो सर्कुलर का पर्पस होता है। इंटेंडेड इसका क्या इरादा होता है जो है ना, इंटेंडेड फॉर जो है ना इसका क्या इरादा होता है
notifications are the general public or the member that will be affected by the notification. इसका इंटेंट है कि ये जनरल पब्लिक या फिर इसका मेंबर इस लॉ को फॉलो करने वाला जनरल पब्लिक के लिए अगर लॉ है तो उसके लिए या फिर जो है ना उसका फॉलो करने या स्पेसिफिक टाइप का लॉ है तो जो है ना उसको फॉलो करने वाले के लिए ये नोटिफिकेशन इशू किया जाता है जो है ना। सर्कुलर का क्या है कि स्पेसिफिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली या पब्लिक, ये स्पेसिफिक टाइप का है कि अगर जो है ना वो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ पार्लियामेंट के अधीन से है या तो असेंबली से जुड़ा हुआ असेंबली या जनरल पब्लिक से जुड़ा लॉ है तो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए है। उसका ये उसका मोटो होता है इशूड जो है ना बाय चीफ एग्जीक्यूटिव या जो गवर्नमेंट या जो है ना जो है तो आप इशूड कौन कर सकता है इसको। तो नोटिफिकेशन जो है ना डिपार्टमेंट हेड करता है या फिर गवर्नमेंट करती है। जैसे सपोज के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना से रिलेटेड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको करती है या तो गवर्नमेंट करती है ना, या जीएसटी से डिपार्टमेंट का है तो जी इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाले हैं तो वो कस्टम वाले हैं तो कस्टम का ऑफिसर जो है ना इसको इशू करते हैं, यानी जो है ना उसका हेड जो होता है वो वहां से जो है ना इशू होता है ना। लेकिन यहाँ पे इशू जो है ना सर्कुलर जो है ना ये केवल गवर्नमेंट इशू करते हैं, ये सर्कुलर जो है ना गवर्नमेंट इशू करते हैं, ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये इशू करते हैं। अब है पर्पस इन ऑफिस जो है ना, इसका पर्पस क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर नोटिफाइंग द एम्प्लॉय या पब्लिक अबाउट चेंजेस मेड बाय द मैनेजमेंट या गवर्नमेंट जो है ना। अगर कोई चेंजेस अगर हुआ है कुछ पॉलिसी में, गवर्नमेंट के पॉलिसी में या किसी मैनेजमेंट के पॉलिसी में, किसी लॉ के जो है ना एक्ट पॉलिसी में, तो उसके जो है ना उस चेंजेस को पब्लिक तक पहुंचाना या नोटिफाई करना वो इसका पर्पस इन ऑफिस होता है। इट कैन बी जो है ना एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर के बारे में कहता है कि ये पर्पस इन ऑफिस होता है, ये जो है ना एडवर्टाइजमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है क्या क्लैरिफिकेशन किसी लॉ के या किसी एक्ट का जो है ना क्लैरिफिकेशन होना, किसी रूल का क्लैरिफिकेशन देना, इसका मेन इसका होता है। अब है कि इन एडवर्टाइजमेंट ये कैसे इशू होता है, ये जो है ना जैसा जो है ना गवर्नमेंट जो है ना लीडिंग पेपर जो होती है नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट अगर यूज करते हैं तो नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के और फिर जो है ना लोकल लेवल के पेपर है उसमें जो है ना, और फिर आजकल जो है ना वेबसाइट है, वेबसाइट गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना ये वहाँ पे जो है ना उसको एडवर्टाइज किया जाता है, वहाँ से पब्लिश किया जाता है। और जो है ना सर्कुलर का भी वही है कि ये जो है ना लीडिंग पेपर में निकाला जाता है या ऑफिस लेवल की होती है, मैनेजमेंट लेवल के तो मैनेजमेंट अपने जो है ना डिपार्टमेंट की तरफ से अपने डिपार्टमेंट वेबसाइट पर लगाते हैं या फिर डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट अगर निकालती है तो लीडिंग पेपर में, सोशल मीडिया पे, ये सब यहाँ पे जो है ना न्यूज पेपर में जो है ना यहाँ पे ये सब पब्लिश करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे एक जो है ना जो है सिस्टम बनता है एडवर्टाइजमेंट का। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो है ना नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या डिफरेंसेज है और ये कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी पब्लिक के लिए इसको जानना, ताकि जो है ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो पब्लिक में जो ना टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत नंबर तक या ना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।